आपको हज लगा देना, ठीक है। हज लगाने के बाद इसको वहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। और उसके तो हेलो दोस्तों, और आज की इस वीडियो में आपको लेके आए कॉल ट्रिक्स के बारे में। जी हाँ, जैसे बहुत मज़ेदार ट्रिक होने वाली, बहुत फ़ायदेमंद होने वाली, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये ट्रिक में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि अगर आपके किसी गर्लफ्रेंड या मम्मी पापा या रिश्तेदार या चाचा मामा या स्कूल या कहीं घूमने गए, तो उस टाइम अगर आपको कोई कॉल करते, जैसे कि अगर आपके पापा फ़ोन करते हैं या गर्लफ्रेंड फ़ोन करती है और सामने वाला को पता नहीं मतलब चलना चाहिए कि सामने से फ़ोन आया, जैसे कि मान लो आपके गर्लफ्रेंड के सामने बैठो बराबर और आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन कर दी, जान लो हाँ दूसरी गर्लफ्रेंड फ़ोन करती, तो उनको पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी किसी का फ़ोन आया। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपका भाई बैठा है, मैं आपको बताने वाला क्या करना है क्या नहीं करना। उससे क्या होगा, जब आपको आपकी गर्लफ्रेंड फ़ोन लगाएगी या मम्मी पापा फ़ोन लगाएगी, जब आप अपने गर्लफ्रेंड के सामने बैठे होगे या अपने मम्मी पापा के सामने बैठे होगे और आपकी गर्लफ्रेंड फ़ोन लगाएगी, तो उस टाइम आपका फ़ोन मतलब बजेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। उससे क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे देखिए आप गर्लफ्रेंड के सामने बैठो या मम्मी के सामने बैठो, गर्लफ्रेंड ने फ़ोन की या मम्मी ने फ़ोन की, तो देखते हैं किसने फ़ोन किया, क्यों फ़ोन किया, बार बार फ़ोन आ रहा है। आप फ्लाइट मोड डालोगे तो उनको तकलीफ होगा या कट करोगे तो उनको प्रॉब्लम होगा, गुस्सा होंगे, चिड़चिड़ होंगे। तो उस टाइम आपको क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए आए हो घूमते फिरते आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ट्रिक ढूंढ के लेके आया हूँ, ठीक है। और जो भी है प्यारा छोटा मोटा कमेंट करके ही जाना, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ट्रिक ढूंढी है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो बिगड़ टाइम का बिगड़ टाइम पास करते हो, चलते अपने वीडियो की तरफ, ओके। तो देखिए वो ट्रिक मतलब जो बताने से पहले आपको एक फिर से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या, उस टाइम आपको क्या सेटिंग करना कॉल की बता रहा हूँ। जैसे कि आप अपने डायलर पे चले जाइए और डायलर पे जाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से एक ऑप्शन आता है और 21, देखिए मतलब आपको बताता हूँ, *221*। अब उसके बाद आपको ये टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे जो बंद नंबर हो या ख़राब नंबर हो, जो यूज़ नहीं करते, कोई भी अदर मतलब अननोन नंबर आपको यहाँ पे डायल करना है, ठीक है। कोई भी एक नंबर आपको डायल करना है यहाँ पे, और उसके बाद उसके नंबर के पीछे आपको हज लगा देना है, ठीक है। हज लगाने के बाद इसको वहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जब भी किसी को मतलब किसी ने कॉल लगाया आपको, तो डायरेक्ट वो नंबर पर जाएगा, आपके पास नहीं जाएगा। और उसको बंद करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा आसान है। देखिए यहाँ पर *221# डालने के बाद आपको मतलब जो इसको लॉगिंग कर देना है, मतलब आपको इसमें कुछ नंबर नहीं डालना है, आपको यही सिर्फ लॉगिंग कॉल कर देना है, ठीक है। *221#, ये इसको लॉगिंग करना, आपका वो डिसेबल हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, किसी किसी का ये नंबर का मतलब प्रॉब्लम होता है, नंबर मतलब काम नहीं करता, जैसे कि मैंने जो नंबर बताया वो नंबर डालने के बाद उनका जो इनेबल का ऑप्शन होता है होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ से कट करता हूँ मैं, आपको सेटिंग में जाना है, कॉल सेटिंग में जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉल सेटिंग बस देखिए कॉलिंग अकाउंट में जाना है, सबका अलग अलग होता है ये बता देते हैं। यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग में जाना है, वॉइस में जाना है। अब वॉइस में जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ऑलवेज फॉरवर्डिंग का ऑप्शन दिया है वहाँ पे। अब यहाँ पे आपको नंबर डालना है, और यहाँ पे इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे नंबर डाल लेता हूँ कोई सा भी एक, यहाँ पे मैं नंबर डालने के बाद इसको ऑन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो जब इस पर ऑन पे मैं क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, कितना 1 2 3 4 5, देखिए मैं इसको ऑन मतलब अननोन नंबर मैंने डाला, मुझे पता भी नहीं, इसके लिए मैं नंबर गिन रहा था। ये अननोन नंबर डालने के बाद आपको ऑन कर देना है। इसके बाद होगा क्या, जो भी आपको फ़ोन लगाएगा ये नंबर पर शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऑफ़ करने के लिए भी जब इसको ऑन कर दोगे, यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको ऑफ़ कर देना है। इसी तरह ये कुछ ट्रिक काम करती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसे लगी तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और नए आए हो घूमते फिरते आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।